जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, 5 दिन पे सेटिस्फाई नहीं हुए तो आपका आने जाने का खर्च और आपके जो एडवांस पैसे हैं वो भी वापस। और आज भी बता रहा हूँ मैं, आज भी कोई भी एक स्टूडेंट आपको बता देगा कि हम सेटिस्फाई नहीं हैं इतने दिन होने के बाद भी, तभी भी मैं पैसा उनका रिफंड करके भेज दूँगा। 18 डेज हो गया, 18 डेज हो गया, 18 डेज के आसपास के ये यहाँ पर हैं। और 18 डेज के अंदर इन्होंने CPU आज से पहले बनाया नहीं था। सर बनाया था आज से पहले कभी CPU? जैसे नहीं सर, यहाँ आकर ही CPU आपने डन किया? हाँ सर, इधर आके डन किया। मेरे ऊपर CPU को देखने के लिए डर रहा था पहले, अभी तो इसका काम आसान से कर रहा है सर। आपकी शॉप का एड्रेस क्या रहने वाला है? अगर कोई भाई रिपेयर कराना चाहते हैं आपसे तो वो कहाँ आएंगे आपके पास? सर मेरा दुकान विजयनगर। तो अभी आप जो काम नहीं कर पा रहे थे वो कर सकते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आराम से कर ले सकता हूँ। तो जो काम मतलब आप वो आप कर सकते हैं, अगर आपके आसपास से कोई भाई हमारे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो आप कर आपके पास काम लेकर आएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ वो भी रिटर्न दे देते होंगे जी। हाँ, तो आप उनका भी काम कर सकते हैं? जी ज़रूर ज़रूर, कोई भी काम लेके आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं करके दिखाऊंगा इनको। बिल्कुल। एक चीज़ और बताइए मुझे, यहाँ पर बोर्ड वगैरह की कमी तो नहीं हुई किसी तरह से? जी नहीं जी नहीं, जो भी बोर्ड देते थे हमारे को ऑन बोर्ड, जो पहले चेक कराते हमारे से ऑन बोर्ड देते थे, और ऑन बोर्ड के हिसाब से हमारे को जो जो IC जो जो जिस जगह थी पूरा दिखा देते थे, तो उसी हिसाब से हम लोग भी काम करके देते थे। फोन पे बात करना चाहते हैं आसपास से हैं कोई काम लेकर आना चाहते हैं तो? जी मेरा नंबर है 9865777173। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। जैसे कि आप सब जानते हैं मैं आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ भरोसे वाला और 100% रियल लेकर आता हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि मेरे कोई भी स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट है जिनको मैंने कहीं पर भी रिकमेंड किया है, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर आप बता सकते हैं। बाकी वीडियो स्टार्ट करता हूं मैं, क्योंकि मैं आज आपको लेकर आया हूं बैंगलोर। यहां पर आपको iPhone की ट्रेनिंग मिलने वाली है, Android की ट्रेनिंग मिलने वाली है, और क्या क्या चीज़ें मिलती है इसके साथ साथ, जैसे टूल्स की नॉलेज होती है तो कौन सा टूल्स कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं उसकी नॉलेज मिलने वाली है, क्या यहाँ पर iPhone Android के साथ क्या वॉच की भी ट्रेनिंग मिलती है। तो चलिए अली जी हमारे साथ हैं, ये हमें बताने वाले हैं, और इनके बताने के साथ साथ हम स्टूडेंट का इस वीडियो के अंदर रिव्यू भी लेने वाले हैं। जी सर, अली जी बताइए हमारे चैनल पर एक बार, आपका फिर से स्वागत है। थैंक यू समीर सर, आपके दोबारा बैंगलोर आने के लिए, आपके सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हम पहुँचे। सर आप जैसे हर बार जब भी आते हैं सबसे पहले आपकी यही बात होती है कि कुछ भी प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट से किसी से भी आए जी तो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। अगर कभी प्रॉब्लम भी आ गया तो आप सीधे सीधे क्लियरली बता देता है कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा भी नहीं। बिल्कुल सर, आपकी ये जिनीन है ना वो स्टूडेंट्स को भी बहुत पसंद आती है, और आप पे सारे आदमी ट्रस्ट भी करते हैं। बिल्कुल सर। और पहली बात सर, हम है ना एक अलग कॉन्सेप्ट, मार्केट जब सीधा चल रहा है तो हम उल्टे चल रहे हैं। वजह कैसे है सर, हम सिर्फ स्कीमेटिक के नाम पे डायग्राम नहीं पढ़ाते। ओके ठीक है, सॉफ्टवेयर बोल के सिर्फ बोर्ड पे नहीं लिखाते, जो भी करवाते हैं जो बताया ना वो लाइव करके दिखाया। ओके कैपेसिटर के बारे में, क्यों शॉर्ट होता है, किस वजह से शॉर्ट होता है, कैपेसिटर किस तरीके से बनता है, यहाँ तक से स्टार्ट करते हैं। ओके स्कीमेटिक एकदम डीप लेवल, और iPhone 6 पे टच IC है, 6S पे टच IC नहीं है, उसकी टच IC नहीं है तो किधर गई, सिर्फ बता देते हैं 6S पे टच IC नहीं है, आपको चेस्टनट पे मिल जाएगी। नहीं, जब मदरबोर्ड पे नहीं है तो कहीं ना कहीं टच IC तो होगी। बिल्कुल सही बात है, उसके बारे में। उसके बाद iPhone 8 Plus पे आपको लाइटिंग सेक्शन मिलेगा, iPhone X पे लाइटिंग सेक्शन नहीं है, उसका लाइटिंग सेक्शन किधर गया, जबकि तभी लाइटिंग सेक्शन काम कर रहा है, बिना लाइटिंग सेक्शन के फ़ोन कैसे काम करेगा। बिल्कुल सही, लाइटिंग सेक्शन तो चाहिए चाहिए, तो वो किधर गया। हर चीज़ का बेसिक से लेके, जो कि आदमी आज इंस्टीट्यूट पे उस पर मायने भी नहीं देता वो चीज़ों के। बिल्कुल, स्टूडेंट एकदम टीचर पे टोटली बिलीव करता है। आज क्या हो गया मालूम के सारे इंस्टीट्यूट, टूल्स बेचने वाले इंस्टीट्यूट खोल दे रहे हैं। क्यों? उनकी टूल्स की बिक्री जो कम हो रही है ना वो इंस्टीट्यूट लगा देते हैं। इंस्टीट्यूट लगा के है ना, जो भी उनके स्टूडेंट 15-20 भेड़ बकरियों जैसे भर लिए, उसके बाद टीचर एकदम उसकी बड़ी बड़ी बातें, मोटिवेशनल स्पीक्स सब सुन के, सर ये टूल कौन सा लेना, आम अपना टूल्स का दुकान है उधर से बेचो, बकरे बनाओ टूल्स बेचो, बकरे बनाओ टूल्स बेचो, आगे उन स्टूडेंट से लेना देना नहीं। बिल्कुल सही बात है, उनकी सपोर्ट बंद, टूल्स बिक गए, मार्जिन मिल गया, एक तो इंस्टीट्यूट पे कमाई हो गई, सारा पैसा हड़प लिया, उसके बाद स्टूडेंट गया भाड़ में। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा कॉन्सेप्ट टूल बेचने वाला नहीं है सर। जो कोई भी मेरा स्टूडेंट पूछता है कि टूल कौन सा है, मैं एक ही बात बताता हूँ, समीर सर के चैनल पे आपको नंबर मिलेगा, या तो ट्रस्टेड बंदे जो दिल्ली में बैठे हैं उनसे प्राइस कंपेयर कर लेना, बैंगलोर पे तो टूल्स लेना ही नहीं, क्योंकि इधर पे चोर बैठे हैं सर, 700 वाली
जो भी प्राइस एक्स वाई जेड 1000 रुपये वाली चीज़ है ना 2000 2500 ऐसे में बेचते हैं। सिर्फ उनका काम क्या है, लूटना। क्योंकि बैंगलोर पे आपको मार्केट पे टूल्स जो भी है इंपोर्ट, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इधर से मंगाना टोपी पहनाना, मंगवाना टोपी पहनाना, और ये बोलते हैं कि लेना तो लो, मेरे को महंगे में आया मैं आपको महंगे में ही दूंगा। ये उल्टी ज़बरदस्ती, ये हो गया। उसके बाद सबसे पहली बात स्टूडेंट्स का डर, सर इधर पे तो कर लेंगे, इधर पे आसान समझ जाएंगे, कर भी देंगे। दुकान पे जाने के बाद उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है सर। बिल्कुल सर, राइट। बिना सपोर्ट के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। फीस ले लिए, सपोर्ट ख़त्म। क्यों, मेरा ये टाइम है, चाहिए तो तभी करना वरना नहीं करना। सर छोटा प्रॉब्लम इशू आता है सर, किधर पे इंजेक्ट करना, कैसे इंजेक्ट करना, क्यों इंजेक्ट करना, ये भी अगर बता देंगे ना तो उनके पैसे कुछ बहुत जल्द रिकवर होंगे। अब कस्टमर सुबह 10 बजे आया, उसका टीचर क्लास ले रहा है, शाम के 7 बजे तक कस्टमर को वेट कराएगा, प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आप कल आके सुनना। ये कौन सी ज़बरदस्ती है सर, उसको प्रॉब्लम बता दो, उसको सपोर्ट दे दो, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करा दो। कितने मिनट लगेंगे सर, जो जिससे सीख के गया वो टीचर है, टीचर को ज़्यादा वक्त नहीं लगता सर ट्रबल शूट करवाने, स्टूडेंट को बड़ा पहाड़ लगता है, टीचर को है ना चुटकियों का काम होता है, 5 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व करा दो, उस बेचारे का भी काम हो जाएगा, उसके भी थोड़े पैसे बन जाएंगे। उसके बाद फिर वापस स्टूडेंट, कभी भी आपकी इज्जत रहेगी, वरना पीछे गाली। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल, वरना सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू मिलता रहेगा। बिल्कुल यही होता है, अक्सर आपने देखा होगा कई वीडियो के अंदर आप देखते भी होंगे और कई इंस्टीट्यूट के अंदर भी आप देखते होंगे कि इस टाइप से होता ही है, जो अली सर ने अभी तक बताया ही है। बाकी यहाँ पर आपको क्या मिलने वाले वो अली सर ने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप बेंगलोर के आसपास से यहाँ आकर आप ऑफलाइन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ स्टूडेंट के नंबर भी डाले, उनके एड्रेस भी डाले, अगर आप उनके आसपास से हैं तो उनसे फ़ोन पर बात करके अपने फ़ोन लेकर भी जा सकते हैं उनसे रिपेयर कराने के लिए। तो चलिए हम टाइम को बिल्कुल शॉर्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो पर इसी तरह से बने रहें। तो गाइस एक स्टूडेंट हमारे साथ हो रहे, चलिए हम इनसे भी इनका नाम पता करेंगे। इस लाइन में, मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में कब से थे, ये क्या काम नहीं कर पा रहे थे जो इनका हर महीने का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। हो सकता है, क्या पता आप भी कुछ काम अपना रिटर्न दे देते हो, आपका भी हो सकता है काफी ज्यादा नुकसान हो रहा हो, तो उस चीज को देखते हुए चलिए हम इनसे पता करते हैं। तो सर आप अपना नाम बताएंगे हमारे भाइयों को। जी मेरा नाम इमरान खान है। कहाँ से सर आप? मैं हुसूर से हूँ, तमिलनाडु हुसूर से हूँ। तमिलनाडु से हैं आप जी। तो एक चीज़ बताइए, आप मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में कब से हैं सर? जी मैं कम से कम 10-15 साल से इस मोबाइल डिपार्टमेंट में हूँ। ओके। इसी लाइन में हूँ, तो मैं ऑलरेडी डिस्प्लेज वगैरह, कनेक्टर्स, जो चार्जिंग कनेक्टर्स वगैरह है जी, तो वो सब चेंज करता था पहले ही। ओके। तो मेरे को इशू था जो अभी जो पहले के जो मोबाइल्स थे और आपके मोबाइल्स में बहुत से डिफरेंस आ गए। बिल्कुल है। जो पहले तो नॉर्मली अलग हिसाब का मोबाइल था, अभी तो बोर्ड छोटा हो गया तो कंपोनेंट्स पूरे छोटे छोटे हो गए, तो इस वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती थी। ओके। तो कस्टमर्स को आके वापस भेजना ठीक नहीं रहता था, जो अगर मेजर प्रॉब्लम आ गए, तो इस वजह से मैं इस, तो जैसे अभी आपने बताया कस्टमर को वापस भेजना ठीक नहीं रहता था, अराउंड एक महीने में इस टाइप से आप कितने मोबाइल रिटर्न कर देते थे और कितना नुकसान होता था आपका? जी नुकसान के हिसाब से तो वैसे तो अभी देखेंगे तो बहुत से चीज़ नुकसान कर दिए हम लोग ने जो कस्टमर को वापस भेज के जी। तो मैं भी कम से कम 1-2 साल से सोच रहा था, तो इस हिसाब से कुछ ट्रेनिंग लेके कुछ करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ सही हिसाब से ये करेंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि महीने के हिसाब से 15-20 हज़ार का कस्टमर चला जाता था हमारा, तो दिक्कत होती थी हर चीज़ के लिए। तो अभी आप जो काम नहीं कर पा रहे थे वो कर सकते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आराम से कर ले सकता हूँ। तो जो काम मतलब आप वो आप कर सकते हैं, अगर आपके आसपास से कोई भाई हमारे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो आप कर आपके पास काम लेकर आएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ वो भी रिटर्न दे देते होंगे जी, हाँ, तो आप उनका भी काम कर सकते हैं? जी ज़रूर ज़रूर, कोई भी काम लेके आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह जी। अल्लाह की ये बहुत बड़ी मेहरबानी है कि जो मैं जिस जगह पे जो ट्रेनिंग पे सही जगह पे आया हूँ मैं, और सही हिसाब से ट्रेनिंग भी ले आऊँ, सही हिसाब से समझ भी गया हूँ। ओके। तो इंशाल्लाह अल्लाह के ऊपर भरोसा है, जो भी आएंगे जरूर से करके दिखाऊंगा। बिल्कुल। एक चीज और बताइए मुझे, यहाँ पर बोर्ड वगैरह की कमी तो नहीं हुई किसी तरह से? जी नहीं जी नहीं, जो भी बोर्ड देते थे हमारे को, ऑन बोर्ड्स जो पहले चेक कराते हमारे से, ऑन बोर्ड्स देते थे, और ऑन बोर्ड्स के हिसाब से हमारे को जो जो आईसी जो जो जिस जगह आती है पूरा दिखा देते, तो उसी हिसाब से हम लोग भी काम करके देते थे इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो आपने यहाँ पर मतलब जो ऑन बोर्ड लेते थे आपने उनके ऊपर काम किया है, आपने वापस ऑन ही करे उन्हें या डेड हो गए? नहीं नहीं, एक दो जो पहले टाइम जो दिए थे हम लोग को, तो वो हिसाब से आगे पीछे 19-20 हो गया, हाँ। था,
तो उसके बाद में सर ने बताया कि इस हिसाब से चाहिए, करना चाहिए बोल के, तो अलहमदिल्ला हम लोग ऑन ही बोर्ड करके दिए उनको। जो ऑन बोर्ड हमारे को मिला था उसी तरह से हम भी उसका जो ट्रबल शूट जो था वो क्लियर किया, क्लियर करने के बाद उनको ऑन करके दे दिया। बिल्कुल। और यहाँ पर जैसे ये तो थी हार्डवेयर की बात, कोई भी चीज़ होती है उसके अंदर एक डायग्राम होता है, तो यहाँ पर आपको सिमेटिक वगैरह की भी नॉलेज मिली। पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता देता हूँ, सिमेटिक के बारे में मेरे को कुछ भी मालूम ही नहीं था। ओके। जो ये ट्रेनिंग को आने के बाद ही मेरे को पता चला कि सिस्टमैटिक जो चीज़ है जी वो है, जिसके थ्रू हम आके काम कुछ और अच्छा सा नीट से कर सके। okay. समझ जाए कि फलाने इस आई सी इधर आवर आ रही है, इस आई सी इस टाइप का है, कैपेसिटर किधर आता है, इंडक्टर किसको बोलते हैं और किसका परसेंटेज कितना आता है, क्या आता है, तो समझने के लिए बहुत आसान हो गया था। तो इस हिसाब से हमारे को वो बताए कि सिस्टमैटिक की क्या है नॉलेज, तो सिस्टमैटिक समझ में आ गया, तो इस हिसाब से करते जा रहे हैं हम लोग। तो भाई सिस्टमैटिक क्या होता है मैं आपको एक तरीके से बता देता हूँ। सपोज कभी आप अपनी बाइक लेके पार्किंग के अंदर गए होंगे, पार्किंग के अंदर जाने के बाद वहाँ पर बहुत सारी बाइकें खड़ी होती हैं, हमें पता नहीं होता कि हमारी बाइक किस साइड में खड़ी है। सिस्टमैटिक यही होता है कि हमें वहाँ पर लाइनों की नॉलेज हो जाती है, हमें एक सेकेंड में पता चल जाता है कि यार मैं बाइक वहाँ पर खड़ी कर आया था। तो फ़ोन के अंदर या मदरबोर्ड के अंदर जो चीज़ें होती है उसी तरीके से होती है, वो एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म होता है। वहाँ पर एक तरीके से मान सकते हैं वहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, किस गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो आपको सिस्टमैटिक द्वारा ही आपको बताया जाएगा और आप उस वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जब तक वो नहीं बताया जाएगा, अगर मैं अपनी बाइक को किसी पार्किंग में खड़ी करके आपको चाबी दे देता हूं, तो आप उसको ढूंढने के लिए कम से कम शाम भी कर सकते हैं, हो सकता है कि आप मतलब बाइकें ज़्यादा हो तो आपको मिलेगी भी नहीं। ये होता है सिस्टमैटिक। तो इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपके पास कोई भी हैंडसेट आया, आपने उसके ऊपर ब्रश मारा, ब्रश मारने के बाद उसको हीटअप किया, हीटअप करने के बाद ऑन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपने पैक किया और वापस दे दिया। और जब सामने वाला बंदा उसको करने के लिए बैठता है तो वो उसके लायक भी नहीं रह पाता, क्योंकि हम उसके ऊपर पहले से इतनी ज़्यादा हीट मार चुके होते हैं। तो इसी तरह से सर से मिलके बहुत अच्छा लगा। आप इनके अगर आसपास से हैं तो आप अपना काम इनके पास लेकर जा सकते हैं। तो सर आपका नंबर क्या रहने वाला है, अगर आपसे कोई बात फोन पे बात करना चाहते हैं, आसपास से हैं कोई काम लेकर आना चाहते हैं तो? जी मेरा नंबर है 9865777173। मैं इंशाल्लाह तमिल में ही बोल देता हूँ क्योंकि मेरे इधर ज़्यादातर तमिल में ही चलता है। बिल्कुल, एड्रेस भी बता देना सर। என்னோட நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னோட ரொம்ப அதியான வணக்கம் அண்ட் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்ஷால்லா நீங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம கடைக்கு எடுத்துகிட்டு வரலாம், 100% நம்பிக்கையான எடுத்துகிட்டு வரலாம். என்னோட முயற்சிகள், நான் என்ன என்னோட ட்ரைனிங்கில் கற்றுட்டு வந்துட்டுருக்கிறேன், அதோட இதில் நான் கண்டிப்பாக ரெடி பண்ணி கொடுப்பேன், நம்பிக்கை வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கலாம் நீங்கள் எல்லாருமே। तो गाइज अगर इनके आसपास हैं तो आप अपना काम लेकर जाइए, आपका काम जो रिटर्न हो रहा था वो काम भी रिटर्न नहीं होगा, आपके भी एक्स्ट्रा इनकम बढ़ने वाली है। तो चलिए इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलते हैं। आपको डेमो क्लास के लिए एक तरीके से उन्होंने बुलाया था, 5 दिन के बाद आपको लगा कि मुझे पेमेंट देनी चाहिए या वापस ले लेनी चाहिए? नहीं सर, 100% है, मेरे को सेटिस्फेक्शन हो गया। मतलब इधर आके पहले मेरे को स्कीमेटिक्स का क्या भी बारे में क्या भी नॉलेज नहीं था। ओके। पहले इसका ए टू जेड स्कीमेटिक्स का वो सिखाया सर, बाद में हमारे पास लाइव बोर्ड आईफोन 6 का A8 का CPU रिपोल करने के दे दिया था सर। तो मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया, सेकंड अटेम्प्ट में हो गया सर वो। सेकंड अटेम्प्ट में आपने डन किया? हाँ डन किया सर वो। तो आपको डेड बोर्ड ही मिले यहाँ पर या ऑन? नहीं सर, ऑन बोर्ड ही मिला मेरे को, डोनर बोर्ड ऑन बोर्ड में काम कर रहे हैं। बाद में हमारे को आईफोन 11 का बोर्ड भी दिया, वो कल हमारा क्लास में 11 का CPU डन हो गया सर। तो इसके अंदर जैसे आपने स्वैपिंग तक आप हमें बताया, इसके अलावा अगर आपके पास वॉच वगैरह आ जाती है तो उसकी भी नॉलेज मिली? हाँ सर, मेरे का आई वॉच का क्लास भी स्टार्ट किया, इसका सॉफ्टवेयर कैसे करना, क्या इशू है तो क्या करना, वो भी बता के सक्सेस करके दिया सर। फेस आईडी का है, वो फेस आईडी का भी काम हमको पहले कैसा इसको ग्लू कैसा कट करना सर मालूम नहीं था सर, अभी तो आसान से इसको एक तरीका हमको बता के दिया, वो ऐसा करके आसान से वो कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस है अगर आपके पास काम आता है तो? 100% सर। तो इसके अलावा जैसे टूल्स इसके अंदर रिपेयरिंग के अंदर टूल्स यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं या हार्डवेयर, तो उनकी नॉलेज भी मिली आपको यहाँ? हाँ सर मिली है सर, वो खुद सर ने बोला कौन सा ए टूल कौन सा लेना, कौन सा काम के लिए वो लेना, वो कौन सा अच्छा वाला जेन्युइन पर्सन के पास ही लेना, इसलिए बोला था। हम पहले दूसरा टूल्स पूरा यूज़ किया था सर, इसमें खाली तो फ़ायदा नहीं था, हमारा काम के लिए नहीं आ रहा था वो। ओके, अभी तो परफेक्ट है। एक चीज़ और बताइए मुझे, जैसे आपको यहाँ पर कितना टाइम हो गया आज? आज 18 डेज हो गया। 18 डेज हो गया, 18 डेज के आसपास के ये यहाँ पर हैं, और 18 डेज के अंदर इन्होंने CPU आज से पहले बनाया नहीं था सर, बनाया था आज से पहले कभी CPU जैसे? नहीं सर। यहाँ आकर ही CPU आपने डन किया? हाँ सर, इधर आके डन किया, मेरे ऊपर CPU का देखने के लिए डर रहा था पहले। ओके। अभी तो इसका काम आसान से कर रहा है सर, CPU का कैसा रिवॉल्व करना, इसका इजी मेथड कैसे है वो पूरा
पता क्या दिया सर? तो सीपीयू की कहानी तो ये रहती है, जैसे 100 में से एक हैंडसेट होगा जिसमें आपको सीपीयू के ऊपर जाना पड़ेगा और उसे स्वैप करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं होता कि आपको सीपीयू आएगा तभी आप मास्टर बनेंगे। सीपीयू के नीचे के अराउंड तकरीबन 20 काम ऐसे होते होंगे जो विदाउट सीपीयू भी हमारे हो जाते हैं। सपोज उसके अंदर मान के चलें जैसे ग्राफिक हो गया, चार्जिंग हो गया, या बैटरी कम का मतलब वो बैटरी को वो रखे रखे बैटरी ख़त्म हो जाती है, वो हो गया। उसके अलावा भी जैसे काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ब्लू लाइट पे डक गया या जैसे नैंड के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो मैंने अभी आपको फॉल्ट बताया ये सब भी आप कर सकते हैं? हाँ सर, 100% कर सकते हैं। तो आपकी शॉप का एड्रेस क्या रहने वाला है? अगर कोई भाई रिपेयर कराना चाहते हैं आपसे तो वो कहाँ आएंगे आपके पास? सर, मेरा दुकान विजयनगर, प्रशांत नगर, कामाक्षी पल्या और राजाजनगर में है। Okay. अभी तो और भी कॉन्फिडेंस आ गया सर, मेरे को एक खुद सर्विस आईफोन का सर्विस सेंटर ओपन करने का प्लान कर रहा है सर। इतना कॉन्फिडेंट हो गया सर हमको। चलिए बहुत अच्छा है। और आने वाले टाइम में अगर आपको बैकअप सपोर्ट वाली बात है तो आपने देख रहे होंगे जो आपसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर जा चुके हैं, क्या अली भाई उन्हें बैकअप दे रहे हैं क्या? वही सर, मैं पहले एक इंस्टीट्यूट गया था, इधर भी सीख के हमको बाद में इसको प्रॉब्लम का पूछा तो बैकग्राउंड नहीं, सपोर्ट नहीं दे रहा था सर, रिप्लाई ही नहीं आ रहा था। दो दिन छोड़ के भी फिर से किया तो अभी रिप्लाई नहीं कर रहा था। अब इधर आके हम फर्स्ट वही चेक किया सर, सर हम टीचिंग का बिजी रहता है वही टाइम में भी दूसरा इसका स्टूडेंट नहीं है सर, दूसरा स्टूडेंट को इसका पास सपोर्ट ले रहा है सर, वो तुरंत उसको आंसर भी दे रहा है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सर का कहने का मतलब ये कि सर जिस टाइम पे अपना काम कर रहे होते हैं उस टाइम पे अगर कोई इनसे मैसेज करके ग्रुप में पूछता भी है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सर उसको फटाफट से उनको भी बताते हैं, क्योंकि ग्रुप तभी चलता है या बैकअप तभी उसको माना जाता है कि आपको जैसे आपकी शॉप पे कोई कस्टमर खड़ा है आपने उसको फटाफट से एस्टिमेट बता दिया। ये नहीं कि एस्टिमेट बताने के लिए आपको फ़ोन छोड़ना पड़ेगा उसके बाद आप कस्टमर को कॉल करके बताओगे, वो सब पॉसिबल नहीं होता। तो चलिए इन सब शफीक भाई से मिलकर तो बहुत अच्छा लगा, इसी तरह से आगे भी चलते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो गाइस आप देख रहे हैं शफीक भाई हमारे साथ हैं, चलिए हम इनसे सबसे पहले पता करेंगे कि ये कहाँ से, उसके बाद पता करेंगे कि ये यहाँ पर आकर ये क्या क्या काम अब कर सकते हैं जो कि ये पहले नहीं कर पा रहे थे। तो सर अपने सबसे पहले नाम बताइए हमारे। हाँ सर, मेरा नाम शफी है, मैं एक्चुअली मैंगलोर कर्नाटका मैंगलोर से, लोकल से यहीं से। हाँ अभी मैंगलोर ही है, अभी इधर आके मेरा दुकान है, दुकान में मेरा काम तो मेरे को करने के लिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, पहले मैं दूसरा इंस्टीट्यूट भी गया था, आपका चैनल में मैं देख के इधर आ गया सर। ओके मेरे को फर्स्ट अली सर ने बात किया फ़ोन में, ऐसा बोल के सर बोला आपका एक बार इधर इंस्टीट्यूट ज्वाइन होने के बाद एक बार आके देखो कैसा है बोल के। बाद में मैं आ गया सर इधर आके, वो भी बोला था एक 5 दिन देखो, आपका फीस आप 5000 एडवांस किया था मैं, बाद में आप बाद में पैसा बाद में करो, पहले 5000 एडवांस करके ज्वाइन हो बोल रहा था, इसलिए मैं आ गया सर। मेरे को सबसे अच्छा, मैं हर बारी की तरह एक स्टूडेंट हमारे साथ हो रहे हैं, चलिए हम इनसे भी इनका नाम पता करेंगे, किस जगह से हैं वो पता करेंगे और ये पहले क्या कर रहे थे साथ में वो भी हम पता करेंगे। तो सर आप अपना नाम बताएंगे हमारे भाइयों को? मेरा नाम अश्वन, मैं कासरोड से आ रहा हूँ, केरला। ओके, तो आप कितने टाइम से मतलब मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में थे? 2 साल के ऊपर। 2 साल के अराउंड हो गया, तो 2 साल के अराउंड आप क्या क्या कर पा रहे थे? छोटा मोटा काम कर रहा था, डिस्प्ले, चार्जिंग कनेक्टर। ओके, ऊपर बोर्ड का काम कुछ भी नहीं कर रहा था। बोर्ड में जैसे छोटी आईसी होती है वो भी नहीं कर रहे थे? नहीं नहीं। तो अभी अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप? कॉन्फिडेंस है। छोटी आईसी हो या पावर आईसी हो या उसके अलावा सीपीयू भी कर सकते हैं? सीपीयू भी कर सकते हैं, क्योंकि सीपीयू से पहले भी देखो सीपीयू तो तब आता है जब हमारा एक रेयर केस होता है कि उसके अंदर सीपीयू स्वैप करना पड़ेगा। yes. उससे पहले बेसबैंड करप्ट हो जाता है हमारा, वो भी हो जाता है, बेसबैंड के अलावा नैंड भी हो जाती है। कई बार ऐसे भी होता है कि नैंड को अपग्रेड करनी होती है, और ये सब जो होती है नैंड वगैरह जैसे मैं नाम ले रहा हूँ एक टूल से होती है, क्या आपको उस टूल्स की भी नॉलेज है? हाँ नॉलेज है, कौन सा एरर आया तो क्या करना जी, क्या ये कैसा ट्रबल शूट करना, वो पूरा सिखाया इधर आके। और अगर सपोज आपके पास इसी टाइम में आईफोन के साथ साथ अगर आपके पास वॉच भी आ जाती है एप्पल की, पक्का 100% करेंगे। अब उसके अंदर सपोज जैसे कोई हैंगिंग लोगों पे आ जाए तो वो पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। पॉसिबल है, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं अगर आप सेटिस्फाई हैं यहाँ पर? सेटिस्फाई 100% सेटिस्फाई है। अगर कोई आना चाहता है आपके आसपास से उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं? आना, इधर आना, सीखना जी, 100% करना। तो आप अपनी लैंग्वेज में कुछ बताइए हमारे भाइयों को जो कि वो सोच रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। எல்லாரோட வரணும் படிக்க நல்லது சார்ன்ற சப்போர்ட் ആണ് அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த கரெக்டர் சார்ன்ற கரெக்டர் நோக்கிட்டு வந்தது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டவுட் ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ படிக்கும் படிப்பிக்கும்னு പിന്നെ പിന്നെ சார்ன்ற கரெக்டர் നോക്കി തന്നെ മനസ്സിലായി പിന്നെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും
100% जेन्युइन है। ये हमारे स्टूडेंट है आंध्रा से। आंध्रा आपकी डिस्ट्रिक्ट? चित्तूर डिस्ट्रिक्ट सर। चित्तूर डिस्ट्रिक्ट, नाम आपका पूरा? समीर सर। समीर, समीर सर के चैनल पे एक समीर। हाँ समीर भाई, आपको कैसे लगा ट्रेनिंग, कैसे कैसा है अपना रिस्पॉन्स? आने के बाद इसके पहले मुझे फ़ोन कॉलिंग भी नहीं आता सर, इधर आने के बाद फुल एक्सपीरियंस हो गया। अब जो कौन सा फ़ोन है तो भी मैं रेडी कर सकता हूँ। स्किल कैसे है, सिखाने की स्किल कैसे है? बहुत अच्छा है सर। सिर्फ ट्रबल शूटिंग होता है या CPU स्वैपिंग भी कराते हैं? सब भी सर। आपने A6 किया, डबल डेकर किया? किया सर। लाइव बोर्ड्स मिले डे वन से? सब लाइव बोर्ड्स मिले सर। ऑन करके दिखा के दिया था ना? दिखा के दिया सर। टूल्स में कुछ प्रॉब्लम हुई आपको? नहीं सर। समझाने में कुछ? नहीं सर, सो भी अच्छा सर, मुझे टोटल समझ में आ रहा है। बेसिक स्क्रैच से लेके जा रहे हैं, फिर आपके सर से ऊपर चला जाए, ऐसे समझा रहे हैं? नहीं सर, पहले बेसिक से। टोटल आपका बेसिक क्लियर है? हाँ सब क्लियर है सर। नॉर्मल जैसे कि कैपेसिटर रेसिस्टर कॉम्पोनेंट से लेके स्कीमेटिक रीडिंग, उसके बाद फिर डायग्राम रीडिंग, ये टोटल क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट? क्लियर है सर। ट्रबल शूटिंग सब क्लियर है? कैसे ट्रबल शूट करना, कैसे बिना IC को उतारे आप कैसे उसको चेक करना, ये सब पूरा कर सकते हैं? सब क्लियर है सर। कुछ अपना तेलुगु में आप कुछ आंध्रा तेलंगाना वालों को कुछ बोलना चाहते हैं तो आपका मैसेज कुछ बोल दीजिए। मैं इंस्टीट्यूट के लिए बहुत इंस्टीट्यूट देख लिया, बट कौन से इंस्टीट्यूट भी उतना अच्छा नहीं लगा। अली सर का वीडियो देख लिया यूट्यूब में, वो बहुत अच्छा पसंद आया, इसके लिए इधर आया। जो जिसके लिए आए थे आपको पूरा मिला? सब मिले सर। प्रॉपर मिला? हाँ प्रॉपर, जैसे आपको चाहिए था, जो एक्सपेक्टेशंस थे सब पूरा फुलफिल हुए? अच्छा ठीक है। रहने में खाने में कुछ दिक्कत हुई आपको? सब क्लियर सर। घर जैसा फील हुआ? हाँ सर फील हुआ सर। टोटल आप कर सकते हैं, आप सब टोटल सब कर सकते हैं। और आपके पास कुछ, आपका डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए, आपका कुछ नंबर है तो बता दीजिए, कोई अगर उधर पे रिपेयर आपसे करवाना चाहते हैं तो आपके समीर सर के चैनल के थ्रू आपसे रिपेयर भी करा सकते हैं। अच्छा, आप बता दीजिए, आप नंबर आप किधर से वो भी बता दीजिए। सर मैं चित्तूर से हूँ, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट पीलर। मेरा नंबर 7993113839। जो कौन सा रिपेयर भी है तो मैं कर देता सर। थैंक यू समीर, ऑल द बेस्ट। तो गाइस एक स्टूडेंट हमारे साथ हो रहे, चलिए इनसे हम पता करते हैं कि देखो लैंग्वेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो इसलिए अली सर हमें ट्रांसलेट करके बताने वाले। तो अली सर बताइए कि हमें ये मतलब 18 या 19 दिन में ये क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताइए। सर पहली बात तो इनका नाम रमेश है जी सर, इधर लोकल के हैं, इधर हॉस्कोटे बोल के खरिया गाँव है, उसके पास में ही मालूर बोल के एक गाँव जैसे ही है जी, उधर से आए थे ये, इनका नाम रमेश बोल के। सबसे पहली बात, इन्होंने आके है ना एडवांस पे किया लास्ट मंथ, उसके बाद इनको डाउट था जी, जो इनके सामने मैं बता रहा हूँ। और ये हिंदी कन्नड़ा इंग्लिश तीनों जानते हैं, बट बात करेंगे सिर्फ आपको कन्नड़ा पे ही, आप जो भी सवाल करेंगे वो कन्नड़ा में बात करेंगे जी, जी जी। तो इनको 5 दिन का, जैसे मैं हर वीडियो पे बताता हूँ, 5 दिन पे सेटिस्फाई नहीं हुए तो आपका आने जाने का खर्च और आपके जो एडवांस पैसे है वो भी वापस। और आज भी बता रहा हूँ मैं, आज भी कोई भी एक स्टूडेंट आपको बता देगा कि हम सेटिस्फाई नहीं हैं इतने दिन होने के बाद भी, तभी भी मैं पैसा उनका रिफंड करके भेज दूँगा, क्योंकि इतनी तो अश्योरिटी मैं दे सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और रमेश और सर क्वेश्चंस खेलता रहे, ये नहीं दे इंस्टीट्यूट बगे यंग दे ये नहीं दे, स्वल्प एक्सप्लेन मारतीरा ಹೇಳಿ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಅಂತ, ಮಾಲೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು। ಮಾಲೂರು ಸಾ ಬೋಲ್ಕೆ ಬತಾರೆ। ಓಕೆ ಮಾಲೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು 10 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ। ಇದು ಹಳೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದೆ, ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾಡಲು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಿಲ್ಲ। ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ। ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನನಗೆ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಕಲಿಯಬೇಕು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ। ಬನ್ನಿ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಮತ್ತು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೈವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ, ನನಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು। ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದೆ, ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ನಾನು 14th ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು। ಬಂದು ನಾನು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರು, ನಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೆಳೆದವರು ಸಾಲ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ। ಬಟ್ ಸಾಲಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಏರ್ ಇಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ICC ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ। ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, 10 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ। ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಲೈವಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ ಸರ್, ಲೈವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೈವ್ ಬೋರ್ಡ್ 6 iPhone 6 ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ನಿನ್ನೆ iPhone 11 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, iPhone 11 ಕೂಡ CPU ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ, CPU ಅದು ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ। ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ತುಂಬ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಾಯಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ। ಮತ್ತು ನಂದು 2 ಫೋನ್ ಕೂಡ iPhone ಅಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ,
ಒಂದು ರಿಂಗರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಬಂದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್. ಆಪ್ಕೆ ರೆಡಿ ಕಿಯೆ ಯಾ ಫಿರ್ ಮೈ ರಿಪೇರ್ ಕರ್ಕೆ ದಿಯಾ ಆಪ್ಕೆ ಜೋ ಫೋನ್ಸ್ ಬತಾ ರಹೆ ಥೆ ಮೈ ರೆಡಿ ಕಿಯಾ ಆಪ್ನೆ ದೋ ವಲ್ ಮೈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೋ ಇದರ ರೆಡಿ ಕರ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೋ ದೇ ದಿಯಾ. ಚಲಿ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಿ ಬಾತ್ ಹೈ, ಆಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೇ ಲಿಯೆ ಬಚಾ ಕರ್ ನಹೀ ರಖ್ತೆ, ಆಪ್ ಪಹಲೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೋ ದೇ ದೇತೆ ಹೈ. ವೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೋ ಪಹಲೇ ವೋ ನಂಬರ್, ವೋ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ವೋ ಮೊಬೈಲೇ ವಾಪಸ್ ದೇ ದಿಯಾ. इधर आने के बाद वही बोलो इधर रेडी करके कस्टमर को दे दिया. पहले वो लिए थे मोबाइल कस्टमर के पास, नहीं होता आईफोन बोल के डर के वापस दे दिए थे. जब इनको जैसे कॉन्फिडेंट लगा ना, तो ये खुद रिपेयर करके उस दिन बहुत खुशी में थे ये कि मैंने आज आईफोन रिपेयर किया. चलो ये तो बेसिक है सर, यहाँ पे तो कोई भी रिपेयर कर देगा. मैं बताना क्या चाहता हूँ, इधर से जाने के बाद है ना टेबल पे बैठेंगे तभी बैक सपोर्ट नहीं रहेगा. अभी इधर पे कुछ भी करेंगे लाइफ टाइम बैक नमी सपोर्ट पूरी तरह ज़्यादा खुशी लगता है. और इनके सामने भी मैं क्या बता रहा हूँ, हर कोई देखिए सर पैसे लेने वाला अपने आप को सुपीरियर बताता है कि आई एम सुपीरियर, मैं बहुत अच्छा हूँ ये हूँ बोल के. पैसे लेने वाला बताएगा अपने आप को अच्छा, पैसे देने वाला कभी झूठ नहीं बोलता क्योंकि वो अपनी मेहनत के पैसे किसी को देता है. बिल्कुल. तो इनके सामने है ना स्टूडेंट्स मेरे पुराने इधर पर आते, जब कभी आते कभी भी मैं उनको चिल्ला के नहीं भाई अभी क्लास चल रही है बाद में आना, नहीं सर वक्त लगता है 5-10 मिनट, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड इधर समझ के रहते हैं, सिर्फ उनको एक धक्का पुश देना होता है. 5 मिनट में समझा सकते हैं, क्या पुराने स्टूडेंट को हम 5 मिनट नहीं दे सकते? बिल्कुल सर दे सकते. इंडिया के ऑलमोस्ट 99% इंस्टीट्यूट पे क्या होता है, टाइमिंग फिक्स, सुबह के 10 से शाम के 7 बजे तक मेरे को आप कॉल नहीं कर सकते, मैं क्लास में होता हूँ. सर क्लास में होते हैं, कोई चांद पे रॉकेट पे बैठ के जा नहीं होता. 5 मिनट अपने पुराने स्टूडेंट्स के लिए, ये नहीं कि पैसे ले लिए उनसे नाता ख़त्म रिश्ता ख़त्म, हम ऐसे नहीं करते. हम क्या करते हैं, पुराना स्टूडेंट है ना तब उसको थोड़ा पुश करो तो तभी वो आगे बढ़ेगा, तभी वो अपना नाम कमाएगा, तभी वो पैसे कमाएगा. इधर पे काम करवा, इधर पे ऑन बोर्ड्स दे दिए, इधर पे दुकान के 100 भी फ़ोन लेके आए, इधर पे रिपेयर करवा दिए, जाने के बाद नाता रिश्ता सब ख़त्म. हाँ भाई मैं बिज़ी हूँ बाद में कॉल करना. सर एक प्रॉब्लम बताने के लिए दूसरे दिन तक कोई वेट नहीं करेगा स्टूडेंट, तब उसको पुश करो, उसको बेसिक से समझाओ ये प्रॉब्लम क्यों आया कैसे आया. अगली बार आपको समझाने की ज़रूरत नहीं. कभी क्लास पे भी मेरे को फ़ोन आता स्टूडेंट्स के सामने भी बता रहा हूँ मैं, तो 5 मिनट में उसका प्रॉब्लम से रेक्टिफाई, थोड़ी देर के बाद स्टूडेंट को फिर मैसेज भी बताता मैं, थैंक यू सर जॉब डन. तो यही चाहिए स्टूडेंट को सर, तो स्टूडेंट को उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन फिर वापस पैसे कुछ मांगने नहीं आते. वो क्या करते हैं अपना जो पैसा कमाया हुआ हलाल पैसा है वो लगा के देने के बाद सिर्फ क्या उनको उम्मीद क्या रहती है पैसों की, नहीं सिर्फ एक सपोर्ट की, एक सपोर्ट दे दो सर बस काफ़ी है. सही कह रहे हैं आप लोग, यही होता था ना रमेश भाई इधे आगता इतल सर सपोर्ट परफेक्ट. यू फोन नान यू रिसीव यार लाइव अल्ल नोड़ी सर एस्टे बिजी निम्हे निर्ग और सपोर्ट को क्लास कंटिन्ू मीन और इनको क्लासेस भी है ना सर बेसिक से लेके कैपेसिटर भी क्यों काम करता है कैसे काम करता है बेसिक. सिर्फ ये कैपेसिटर है ये पोलर है ये नॉन पोलर है ऐसे नहीं, कैपेसिटर की वैल्यू क्या है. अगर आपके पास कैपेसिटर ये मदर 6 पे गुम गया, लैपटॉप का मदरबोर्ड है आपके पास उससे कैपेसिटर काट के हम कैसे मोबाइल पे यूज़ करना ये नॉलेज, बूस्ट क्या है, बक क्या है, सीपीयू के लाइंस कौन से हैं, उसके वोल्टेजेस क्या है, बिना आईसी उतारे कैसे हम आईसी को चेक करें कि ये ख़राब इसी पे है, शॉर्ट फाइंड करना आपको रोजिन पे बता देंगे, फ्रीज़र पे बता देंगे, थर्मल पे बता देंगे. इनको मैंने शॉर्ट फाइंड करना SMD से कैसे शॉर्ट फाइंड करते हैं, सोल्डर गन से शॉर्ट लीकेज कैसे फाइंड करते हैं, हर एक चीज़ और डेली एग्जाम होता रिवाइज होता फिर तभी हमारी आगे क्लास बढ़ती. चलिए बहुत अच्छा ऐसा ही था ना. हाँ सर बहुत अच्छा है सर. वेंकटेश क्या आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? बता सकते सर. बोलो वेंकटेश. एक मैं फर्स्ट यहाँ पे आया आने के कारण यूट्यूब में देखा है सिमी सर के, अभी जस्ट मेरे पास फोटो है सिम सर फोटो मारा था फर्स्ट नंबर. ओके आपका नंबर लेके मैं कॉल किया सर. कैसा है सर सीखना चाहते हो बोल के? मैं दिल्ली में को देखना का चाहिए था, दिल्ली में कैसे इंस्टीट्यूट यूट्यूब जाने वाले थे दिल्ली जाने वाले का था, वो बोला उतना ऑनलाइन में सर्विस देता है क्यों ना कोरोना टाइम. मैं घर में फैमिली में पूछा ऑनलाइन में देना ले सकते है ऑनलाइन में लिया उनका दो. मैं किसी इंस्टीट्यूट के बारे में बात नहीं करता किसी के, मैं क्या बता रहा हूँ कि हमें किसी के बारे में नहीं बात करना. आप जो आए ना सर आए सर देखो इतना हम हॉस्पिटल से आया सर, इतना मैं फैमिली छोड़ के आया आपके पास, मैं डर रहा था यहाँ पे खाना पानी कैसा रहता कैसा नहीं कुछ फुल भया था. एक मुझे फैमिली छोड़ के आप यहाँ पे ना गाँव को जाने दिल नहीं आ रहा क्यों वाला हम भया देसा अंदर खाना पानी घर का सभी लगा के दे रहे सभी कर रहे इनको भी खाना पाना जब थोड़ा प्रॉब्लम होना क्या हुआ किधर या सभी जानकारी करता भया देसा ऐसा इंस्टीट्यूट में काम बहुत सिखाए. हाँ
इट इज लाइक दिस इमोशनल हो जा रहे हैं आप फुल इमोशनल हो रहे हैं सर क्यों बोला पहले मैं 5-3 साल कार्बन केयर में था 3 साल दुकान ओपन करा पावर एसी डालने कैसा पता नहीं से आईफोन 6 प्लस कैसा रेडी करना वो पता नहीं आता आप फोन रिपेयर किया इधर पे हां किया सर डेड फोन ऑन किए हां ऑन किया सर आईफोन एंड्रॉइड किया आईफोन किया सर आईफोन किया एंड्रॉइड सब पूरा समझ में आता है पूरा समझ में आता है समझ में आया सर ठीक है एंड्रॉइड के एंड्रॉइड पहले आता था सर पहले प्रेजेंट है ना आईफोन ही थोड़ा सब रेडी किया प्रॉब्लम पूरा टोटल किया टोटल प्रॉब्लम आता रेडी किया सर जो भी प्रॉब्लम आ सकता है आप सॉल्व कर सकते हैं 100% श्योर सॉल्व कर सकते हैं सर से कोई भी आएगा आपका नंबर मांगेगा तो आप रिपेयर कर सकते हैं 100% श्योर रेडी करके देता है सर 100% आपको दुआ रहना है सर कुछ दुआ नहीं आपका सपोर्ट सब रहेगा कुछ क्यों ना गुरु के दुआ रहना बोलते हैं सर आपका दुआ मन रहना सर क्यों ना भैया रहना के कि आप तुम इतना सपोर्ट करे सर ठीक है आपको अकोमोडेशन खाने में कुछ दिक्कत नहीं होगी कुछ दिक्कत लाइफ फैमिली कैसा रहता है सर सेम डिट ऐसा यहां पे है सर ओके थैंक यू वेंकटेश थैंक यू ऑल द बेस्ट तो गाइस अभी तक आपने देखा यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं मैंने सबका यहाँ पर रिव्यू लिया रिव्यू लेने के साथ साथ अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पर आ सकते हैं ये इंस्टीट्यूट आपको बैंगलोर के अंदर मिलने वाला है अगर आपके मन में भी कोई डाउट है तो आप अपने फोल्टी फोन लेकर आइए यहाँ पर पहले डेमो क्लास लीजिए अगर आप अपने हाथ से पहले से अगर आप काम करते हैं अगर आप अपने हाथ से भी रिपेयर करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर पॉसिबल है तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो जैसे लाने के लिए आज के लिए इतना ही थैंक यू